आज 5 अगस्त के दिन 4 साल हो चुके हैं आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुए, और इस वक्त एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि श्रीनगर में पीडीपी का जो हेडक्वार्टर है उसे सील किया गया है पुलिस द्वारा, और साथ ही साथ बताया जा रहा है कई पीडीपी के नेताओं को हिरासत में भी लिया गया है। जानेंगे हमारे साथ जी, बताइएगा देखिए, अगर वादी कश्मीर की बात करें तो बीजेपी पिछले कई दिनों से आज के दिन के हवाले से प्रोग्राम को बता रही थी कि आज का दिन है, वो जश्न मनाएंगे, वो मैराथन करेंगे, और इस चीज को लेकर परसों भी पीडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और उनके इकबाल तंबू जो लीडर है उन्होंने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया था कि वो भी आज के दिन जो बीजेपी का आज मैराथन है उसके अपोजिट में आज का दिन प्रोग्राम करेंगे, और श्रीनगर की शेर कश्मीर पार्क में वो लगभग उस प्रोग्राम में, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दूसरी जो हम ख्याल जमाते हम जिन्हें कहेंगे, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आता है, जिसमें सीपीए आती है, या जिसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस आता है, उन लीडरान या जो लोग 370 को सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके हवाले से बताया था कि हम उनको भी बताएंगे, वो आए लाल चौक के शेर कश्मीर पार्क में, और यहाँ पे वो प्रदर्शन तो उन्होंने नहीं कहा था लेकिन उन्होंने कहा था प्रोग्राम करेंगे। तो उसी के बीच में अब यही सबकी नजरें थी कि क्या आज प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, क्योंकि पीडीपी ने तभी वो अपने एप्लीकेशन भी दिखाई थी और बताई थी कि हमने डिप्टी कमिश्नर को दी एप्लीकेशन दी है कि हमें ये प्रोग्राम करने की इजाजत दी जाए, लेकिन कल शाम को ही पीडीपी की जो लीडरशिप है, रात लगभग 9 बजे से ही जो लीडरशिप है उनके बाजाबा तौर पर बयान आना हुए शुरू हुए, मैकॉल्स आई मीडिया के लोगों को और उसमें एसएमएस भी आए, और उन लोगों ने बताया कि उनको हाउस अरेस्ट रखा गया है, कुछ को बताया गया कि गिरफ्तार किया जा चुका है, और ये फिर रात भर काफी देर। तो जिस तरह से सनम हमारे साथ लगातार ज्वाइन किए हुए हैं, आपको बता दें अपडेट सामने आ रहा है श्रीनगर में जो पीडीपी हेडक्वार्टर है उसे सील किया गया है, और साथ ही कई लीडर्स को पुलिस स्टेशन बुलाया गया है और डिटेन किया गया है, और वहीं पर जिस तरह से इस वक्त जानकारी सामने आ रही है जो माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है, अगर हम सियासत के हवाले से बात करें तो गहमा गहमी नजर आ रही है। बाकी अगर बात करें, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको वीडियोस दिखाई कि टूरिस्ट का क्या कुछ कहना है या फिर बाकी लोगों का क्या कहना है कि अभी तक 4 सालों में क्या कुछ हुआ है, आपका इस पर क्या कुछ कहना है आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा। फिलहाल इस अपडेट